नमस्कार अर्गस अपडेट को स्वागत मु निवेदिता बुलेटिन उपरे नजर पकाइबा हला ता पूर्वरु हेडलाइंस अनब को उठाई देला मुंबई पुलिस घटना को इमरजेंसी से तुलना कले प्रकाश सभेट को चतुर्थ स्तंभ और फ्रीडम ऑफ स्पीच उपरे आक्रमण को उद्देश्य व्यापी निंदा केन्द्रापड़े असुरक्षित महिला न्याय देवा प्रसंगे चेस होम नीतिशेखर मणात को आक्रमण दस दिन पर भी पुलिस नेउनी आक्शन भिजिलांचल अनुगुल वैंडा ग्राम्य उन्नयन विभाग कनिष्ठ जंत्री बसंत कुमार बस्तिया आय बहिर्भूत संपत्ति ठूल अभोग में भिजिलांस चढ़ऊ अफि सरकारी बासभवन और पैतृक घरे और शशुर घरे एक कांड रेड जांचबेले पिकअपभ्यानु आठ क्विंटाल गंजेई जबत कोरापुट माछकुंड हनुमान गाँ निकटे गाड़ी छाड़ ड्राइवर समेत चालनकारी फेरार गाड़ी सह देशी बंदूक और जीवंत गुड़ जबत कर पुलिस वायुसेनार बढ़ शक्ति भारत को मिल तीन राफेल युद्ध विमान आज संध्या सुधा अमला एयरबेस पहुंचा नहीं सूचना पूर्व आसी पांचटी विमान दुई बलका सीट पर आसंता आवेदन 19 तारीख जाए आवेदन करें छात्र छात्री 23 प्रकाश पाइब मेधा तालिका 24 रु 27 नाम लेखा एवं कार्तिक मासरे भक्तों दर्शन पर प्रशासन पक्ष स्वतंत्र व्यवस्था सुविधा दर्शन लगी ब्यारिकेड को घुंचा कला 20 फुट सिंह द्वार अति पाखर पतित पावन को दर्शन कर बुलेटिन आरंभ करिबा एक बड़ खबर रिपब्लिक टीवी एडिटर अर्णव गोस्वामी गिरफ 2018 एक मामलें अर्णव को गिरफ्त कर मुंबई पुलिस कही सेपटे बिना समन बा बिना नोटिस गिरफ्त करपरिक गिरफ्तारी समय मारपीट कर अभियोग जहाँ विभिन्न महल में निंदा कर बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी कहते यह फासीवाद संकेत दे सेपरी प्रकाश जावेदकर कहते जरूरीकालीन दिन को मन पकड़ केन्द्रमंत्री स्मृति ईरानी वर्तमान चुप रहिबार अर्थ दमन को समर्थन करिबा अभिनेत्री कंगना रनावत कहते महाराष्ट्र सरकार आउ केते स्वर को बंद करिबे शिवसेना नेता संजय रावत कहते प्रमाण आधार में होइछि कार्यानुष्ठान अधिक आलोचना करिबा दिल्ली आम प्रतिनिधि गगन विश्वाल आम सहित जोड़ी तेज गगन रिपब्लिक टीवी एडिटर अर्णव गोस्वामी को गिरफ्त कर बिना समन में गिरफ्त कर नहीं विभिन्न महल निंदा कर सूचना देखो निगरिता निश्चित भाव ये क्लियर करने चाहे ये गोटे पुंजीभूत असंतोष कहुपे महाराष्ट्र गवर्नमेंट पर कहीं लगातार देखिए विगत दिन धरी सुशांत सिंह राजपूत केस होनेक कोरोना महामारी आरंभ करेक गुड केस सीधा सड़क अर्णव गोस्वामी जो भाव रिपोर्टिंग करके बर्तमान सीधा सड़क गोटे गणतंत्र कन्फरम करने सामाजिक कार्य अनेक समय पूर्व ट्राए कर आज जो भाव घरे 10 रु अधिक पुलिस कर्मी जो भाई ढंग से घरे प्रवेश कले जो भाव गोटे क्रिमिनाल एक्टिविट सहित जो भाव जड़े अपराधी को निजाए से ढंग से आरेस्ट करोटना कौटि सब वर्गर केवल केन्द्र मंत्री नुहति प्रेस क्लब ऑफ इंडिया कथा कहतु प्रेस क्लब ऑफ इंडिया कथा कहतु अनेक संगठन जो सामाजिक संगठन रही बुद्धिजीवी रही समस्त या बर्तमान दृढ़ निंदा कर सेक्शन लगा जाए 306 सेक्शन लगा जाए सेक्शन 34 आईपीसी धारा एग्नेस्ट लगा जाए कौटा कौटि क्रिटिकल रिपोर्टिंग पुलिस कार्यानुष्ठान गोटे दमन कंठरोध करने कहे ये केवल मुंबई चित्र नुह अनेक राज्य में कहतु अनेक समय कौटा कौटि सरकार कथा को जिते पर्दाफाश कर सरकार जिते अंगुल निर्देश कर सामाजिक बंधु मैंने एडिटर मैंने सीधा सड़क सरकार आक्रोशर शिकार होती है ये कथा को लेकिन बर्तमान सीधा सड़क प्रकाश जावड़ेकर जे केन्द्रमंत्री रही इमरजेन्सी सिचुएशन को मन पकड़ घटना सीधा सड़क आक्षेप करूप भाव एक्सटर्नाल मिनिस्टर जे रही जयशंकर से ट्वीट मध्यम दृढ़ निंदा कर दुई वर्ष पुराणा केस रिपोर्टिंग को लेकिन गोटे एभली आचरण करने पुलिस केते जुक्तियुक्त जदि तर कौन हनन होता पुलिस कौन रिपोर्टिंग रे पुलिस क्षत पहुंचे तेणु नोटिस कराई था सामान कराई था डाकिकी पचारि पारिथे कि घर जाकि
ଗୋଟେ 10 ରୁ ଅଧିକ ପୋଲିସ କର୍ମୀ ଏଣ୍ଟର କରିକି ତାଙ୍କ ଉପରେ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଯଦି କହିବେ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହେଇସାରିଛି, ତେଣୁ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ସରକାରଙ୍କର ଆକ୍ରୋଶର ଶିକାର ହେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ସିଧାସଳଖ ସେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ୟା ଉପରେ ସରକାରଙ୍କ ମୁଖପାତ୍ର ଯିଏକି ରହିଛି ସଞ୍ଜୟ ରାଉତ ଶିବସେନାର ସାଂସଦ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି, ସିଧାସଳଖ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପୋଲିସ ତାର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, ଏଥିରେ ସରକାରଙ୍କ କୌଣସି ହସ୍ତକ୍ଷେପ ନାହିଁ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆଗାମୀ ଷ୍ଟେଟ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ନଉଛନ୍ତି ପୋଲିସ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ खराब दिन कुछ नहीं हो सकता है। कोई वरिष्ठ पत्रकार को, एक न्यूज चैनल की एडिटर को ऐसे अमानवीय व्यवहार करना, उनके मानवीय अधिकार को हनन करना, इसको कड़ी से कड़ी भाषा में निंदा करने से भी कम होगा। और ये एक राजनीतिक उद्देश्य से किया गया है। उनकी बात वहाँ की स्थानीय सरकार और विशेष करके उनकी जो आका है दिल्ली में कांग्रेस पार्टी की आला कमान, उनको पसंद नहीं होता है, इसलिए उनके ऊपर ये जालती किया गया है, उनके ऊपर ये अत्याचार किया गया है, इसको हम निंदा करते हैं। तेबे गगन जेभली भाव आपण शुणिपारे केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान घटना को निंदा करछन्ति, काई कि ना एठी कोटना कोठी गणतंत्र को जानी सुनी चपाई देवाई गणतंत्र स्वर को कंट्रोल करा जाउछे। तेबे गगन पुणि थरे फेरिबी, तेबे गगन जेतेबेले गोटे कथा कह जाय परिबो, जेतेबेले जणे एडिटर गणव गोस्वामी जणे होछन्ति जणे जातीय गणमाध्यम रो जणे एडिटर, ताकु एभली भाबे घरे पसी ताकु उठाई नबा एवं ता सहित जे अभिजोग आसुछि ताको परिवार को मध्य आक्रमण करबा को पछे नांति, महाराष्ट्र पुलिस रो एभली उद्यम काहि की महाराष्ट्र पुलिस पूर्व कथा जदि कहबा पूर्व मत सुशांत सिंह केस रे महाराष्ट्र पुलिस विवाद को आसीतिला, प्रकृति रे एते आक्रोश काहि की महाराष्ट्र पुलिस रो? देखो निश्चित भाव क्लीयर करवाई चाहे महाराष्ट्र पुलिस महाराष्ट्र सरकार कह रही शिवसेना ही सरकार रही गोटे कांग्रेस एनसीपी शिवसेना मेट रही तेना सीधा सल ये कौन यूनियन टेरिटोरी नुहे ये गोटे स्टेट पुलिस रार्ज तेना सीधा सल कौटा कौटी सरकार इंगित ही सरकार निर्देश रही पुलिस एभली कार्य करीधा सल अनेक बुद्धिजीवी कहतु सामाजिक कहतु बा केन्द्रमंत्री मान हूँ सीधा सल प्रतिक्रिया रखुच्च। तेज निश्चित भाव पालघर में जो भाव पंडित मान हत्या घटना कथा कहतु सुशांत सिंह राजपूत घटनार पुलिस रदंत कथा कहतु करोना महामारी कथा कहतु बा दुई वर्ष पूर्व ये जो केस बर्तमान रिपोर्टिंग आरेस्ट कर कथा कहतु निश्चित भाव अनेक गुड़े घटना रोचे जोटा कि सीधा साल से मुंबई पुलिस कार्य क्वेश्चन मार्क तैयार करुते सरकार कार्य दक्षता पर क्वेश्चन मार्क तैयार करुते जो भाव हार्डकोर रिपोर्टिंग करुते ताकु नहीं कि कोई ना कोई पुलिस पूर्व अनेक समय ट्राए करेस्ट करने वर्तमान जो भाई ढंग से एक्शन दिखाई ये कोई ना कोई सीधा साल दर्शाई जे कोई ना कोई सरकार इंगित रही पुलिस एभली स्टेप नहीं कहीं जो भाई धारा एग्नेस्ट लग जाती तीन सौ छह कथा कहतु 34 आईपीसी कथा कहतु और 10 जन रु अधिक पुलिस घरे पशा बिना नोटिस आरेस्ट करने समान करते जड़े प्रेस्टिजियस व्यक्ति सी भारत जने कहे गोटे बड़ ऑर्गेनाइजेशन रे सांबादिक कहे एडिटर कहे गोटे प्रतिष्ठित व्यक्ति से जो भाव आरेस्ट कराई कौटा कौटी सीधा सड़क जो सन्देह कर पूर्व जो भाव अनुप गोस्वामी आलिगेसन आड़ुते सीधा सड़क कौटना कौटी आहरी खराब जोगा जो सरकार बर्तन सफेई रखुंट और सूचना पक्ष जो सफेई रखा जाए से सफेई कौटना कौटी क्लीयर कर पारुनी सरकार भूमिका ऐसे ना संजय राउत कहे सरकार भूमिका ना जदि सरकार भूमिका ना तेना हुए तो ये आरेस्ट पर कौन जो रही लॉ एंड मिनिस्टर कथा कहतु सेक्रेटरी कथ कहतु कौन लेवल ले भी बर्तन पर्यटन कथना सहित जे कहीं उठागला कहीं स्टेप निगला एभली स्टेप देवा पूर्व नोटिस दि जाइला कि ना तेणु सीधा सड़क अनुम वकिल नहीं कि सीधा सड़क अदालत हाजर हे तेणु केीघ्र से अदालत में हाजर होती कौन आगामी स्टेप नौते पुलिस जो कार्यदक्षता नहीं बारंबार क्वेश्चन मार्क तैयारी कराई अनेक स्टेट आम बेंगल कथा नहीं पारा ओडा कथा नहीं पारा महाराष्ट्र कथा नहीं पारा कौटना कौटी सब जो जिते भी गणमाध्यम सरकार को कथा उठाऊ सरकार को कार्यदक्षता क्वेश्चन मार्क खेला कौटना कौटी आक्रोश सीधा शिकार होती सांबादिक मैंने।
तेबे गगन गोटे कथा कह जाई परबो कि काकि ना आमे मु जेम भली भाबे किसन पूर्वपुर कहथली सुशांत सिंह राजपूत को कथा रे विशेष करी रिपब्लिक भारत अर्थात अर्णव एभली एक घटना को विशेष भाबे गुरुत्व देउथले एवं महाराष्ट्र पुलिस को विशेष भाबे साखे करथले एवं महाराष्ट्र पुलिस विवाद को आसला ये जो भली भाबे आज हटा 2018 रो गोटे घटना को 2020 सरीबा को बसलाडी पूर्ण थरे रिओपन करबा एवं तांको गोटे उद्देश्य मूलक भाबे एभली एक करा जाईथवा परे बोली आमे आशा करबा कि তেবে যেভাবে ভাবে রিপব্লিক টিভির এডিটর অর্ণব গোস্বামী কু গ্রেফ করা যাই এবং মুম্বাই বাসভবন তাঁকু পুলিশ উঠাই নেওয়া যা কুযাচ্ছে তবে বিনা নোটিশে কিংবা বিনা অর্ডরে কিভাবে ভাবে তাঁকু গ্রেফ করা গলা যা পুরা দেশব্যাপী গোটে প্রকার অসন্তোষ দেখা দিয়েছে এবং বিভিন্ন কেন্দ্রমন্ত্রী মধ্যে দুঃখ প্রকাশ করছেন ঘটনাকে নিন্দা করছেন কিন্তু না চতুর্থ সম্ভব ফ্রিডম অফ স্পিচ উপরে কোটনাকোটি আক্রমণ করা যাচ্ছে তবে শিবসেনার নেতা সঞ্জয় রাউত প্রতিক্রিয়া কণ রয়েছে নেই আসুন নজর পকাইবা মুঝে মালুম নাহি মানে দেখা নাহি মানে সুনা হয় আপসে মহারাষ্ট্র মে কানুন কা রাজ হয় ইস রাজ্য মে কই ভি গৈর কানুনি কাম কো বড়াওয়া নাহি দিয়া জাতা হয় পুলিশ কো অধিকার হয় পুলিশ স্বতন্ত্র হয় উনকে পাস আগর কই জাঞ্চ কে লিয়ে অ্যাকশন কে লিয়ে कोई एविडेंस है तो महाराष्ट्र की सरकार और यहाँ के राजनेता कभी भी पुलिस के कार्रवाई में हस्तक्षेप नहीं करते संजय रावत प्रतिक्रिया से मध्य घटनाकोटी घटना को निंदा करछंती एठी घटनाकोटी आम कहीपर कि गणतंत्र जो अधिकार रही गणतांत्रिक अधिकार को हनन कर भावे रिपब्लिक भारत एडिटर अर्णव गोस्वामी को गिरफ्त कर बिना नोटिस बिना कौन कोर्ट अर्डर देखा पुलिस किभली भाव घरे पशिला और सहित पर महाराष्ट्र पुलिस आक्रमण कर আসবা পরবর্তী খবরক পরকিয়া প্রীতি পাই নয়াগড় সদর থানা জগন্নাথপুর গাঁরে মহিলা হত্যা অভিযোগ মৃত মহিলা জনক হলে গীতাঞ্জলি বেহরা তবে গীতাঙ্কু তাঁক স্বামী সন্তোষ বেহরা হত্যা করিথিবা অভিযোগ হয়েছে গীতা তাঁক স্বামীকু ছাড়ি স্বামীক সাঙ্গ অটো চালকঙ্ক সহ ফেরার হয়ে যাইথিবারু তাঁক হত্যা করা যাইথিবা অভিযোগ হয়েছে গীতাঙ্ক স্বামী সন্তোষ বেহরা কৌশলক্রমে গীতাঙ্কু নিজ ঘর জগন্নাথপুর গাঁকু ডকাই এপরি কাণ্ড ঘটাইছন্তি এক সাইকেল চেনরে গীতাঙ্ক তন্টি চিপি হত্যা করা যাইথিবা দেখিবাকু মিলিছে গীতাঞ্জলিঙ্কর এক 13 বর্ষর পুয় মধ্য রয়েছে পূর্বরু মধ্য গীতাঞ্জলিঙ্ক স্বামী সন্তোষ বেহরা গীতাঙ্কু নির্যাতনা দেউথবার অভিযোগ হইতিলা তবে স্বামীক নির্যাতনা সই নপারি গীতা স্বামীক সাঙ্গ সহ ফেরার হই যাইতিলে ফরে স্বামী সন্তোষ বেহরা গীতাঙ্কু হত্যা করিবাকু যোজনা করে ভুবনেশ্বরু নিজ ঘরকু কৌশলক্রমে ডাকি গীতাঙ্কু হত্যা করিথিবা বেলে পুলিশ পৌঁছি মৃতদেহ জবত করি তদন্ত আরম্ভ করিবা সহ অভিযুক্ত স্বামী সন্তোষকু গিরফ করিছে সড়ক দুর্ঘটনায় চালিগলা জনক জীবন সেপটে দুর্ঘটনার শিকার হয়ে জন ব্যক্তি গুরুতর ভাবে আহত হয়েছেন আজ সকাল সকাল এভাবে এক দুঃখদ ঘটনা ঘটিছে অনুগুল জেলা কিশোরনগর থানা রাইবাহাল ব্রিজ নিকটে আঠমল্লিক তেলি সাহির বিন পাণ্ডে ও ভীমসেন মল্লিক এক বাইক যোগে কিশোরনগর মাধবপুর পূর্ত রাস্তার রাইবাহাল ব্রিজ নিকটে ভারসাম্য হরাই তলক পড়ে যাই ফলে ঘটনাস্থলে বিন পাণ্ডে মৃত্যু হওয়া বেড়ে ভীমসেন গুরুতর অবস্থায় উদ্ধার করা যাই চিকিৎসা পাই নিকটস্থ ডাক্তারখানার ভর্তি করা যাই পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছি তদন্ত করুবা জনাপড়ছে
सुवर्णपुर खोर्धा बलांगीर जातीय राजपथ अर्जुनपुर छक पाखरे मर्मतद सड़क दुर्घटना रास्ता कड़े छेड़ा होता एक टेलीफोन मरामती व्यवहार होता गाड़ी में एक कार धक्का देवा फल जनकर मृत्यु होता बेले जड़े गुरुतर अच्छा मृतक जनक बौद्ध जिला पुर्णाकटक अंचल सुब्रांशु जोशी बोली जमापड़े से आहत जनक घर संबलपुर ना विकास राय बोली जमापड़े सुब्रांशु और विकास एक कार जगे भुवनेश्वर बलांगीर को जाते कार्य भारसम्य हर टेलीफोन मरामती रास्ता कड़े छड़ा होता ड्रिलर गाड़ी सहित जोर से धक्का होता फल कार्य दुईफाड़ हो जा देखा मिली तेज गाड़ी में बस दुईज को गुरुतर अवस्था उद्धार कर सुवर्णपुर जिला मुख्य डाक्तखाना को अणाई तेरे डाक्तर से सुब्रांशु को मृत घोषणा करते विकास अवस्था गुरुतर थी बुर्ला बड़ मेडिकल को स्थानांतरित कर केन्द्रापड़ा रे असुरक्षित महिला महिला को सुरक्षा देबारे विफल केन्द्रापड़ा पुलिस महिला को न्याय देवा प्रसंग रे चेई सोइछि टीम निर्देशक पुलिस रो सुरक्षा बल रे रही खुला आकाश तले बुलुछंती अभियुक्त महिला को आक्रमण रो 10 दिन परे भी एक्शन नेउनी केन्द्रापड़ा पुलिस केन्द्रापड़ा रे असुरक्षित महिला महिला को सुरक्षा देबारे विफल केन्द्रापड़ा पुलिस महिला को न्याय देवा प्रसंग रे चेई सोइछि टीम निर्देशक एंड को पुलिस रो सुरक्षा बलय रे रही खुला आकाश तले बुलुछंती अभियुक्त केन्द्रापड़ा जिला टेरावेस ब्लॉक अंतर्गत जोरा बारीमूल पंचायत पूर्वतन समिति सभ्य कांचनबाला स्वाई पुलिस रो निष्क्रियता को नहीं प्रश्न उठाई कांचनबाला स्वाई को 10 दिन तले मरणांतक आक्रमण होता घटना को 10 दिन रु अधिक बीती जाइथिले सुधा अभियुक्त विरोध में कौनसी कार्यानुष्ठान ग्रहण करा जाय नाही पीड़ित महिला पुओ एने एसपी को जणाइथिले मध्य कौनसी कार्यानुष्ठान ग्रहण होइनतिबा अभियोग होइछि मते बाड़ेई बाड़ेई मो मुंड फटेई रक्ताक्त करी जीवन रु मारि दव बोली शेष कर दव बोली कहिला मारि मध्य देला हेले मु आईएसी की देखा करली आईएसी कहिले आरो जथेष्ट एविडेन्स मो पाखरे अछि हेले पदक्षेप नेला बेलू 307 लगे आसामी खुलुम खुला बुलू थरे हेले त दुआर मो माड़ना मो पु एसपी की देखा गला एसपी को देखा पाइलानी टेलीफोन माध्यम रे कथा हला एसपी भी एफआईआर नंबर नेले तथापि किछि कार्यानुष्ठान नौना आज की 10 दिन हला कांचनबाला निज घर पाखे ठिया होता बेले से ही ग्रामर अनिरुद्ध स्वाई नामक जन असामाजिक व्यक्ति दुर्व्यवहार करने गाड़ी क्लज करते कांचनबाला प्रतिवाद करुद्ध एक भूचाली आक्रमण करते आघात ही बयान करते भयंकर आक्रमण कांचनबाला केन्द्रापड़ा जिले में जड़े वरिष्ठ महिला सामाजिक कर्मी घटना पर केन्द्रापड़ महिला सुरक्षा को नहीं प्रश्न उठाई कांचनबाला समाजरो असामाजिक तत्व अराजकता को सफा करिबा पुलिस काम किंतु अभियोग हेउछि केन्द्रापड़ा पुलिस असामाजिक लोकों पर साजिछि सुरक्षा कवच फांडी रे महिला को दुर्व्यवहार करिबा घटना रे छंती होइतिबा केन्द्रापड़ा पुलिस आउ निष्क्रियता सामना को आसिछि एते अभियोग एते विवाद परे काहे कि चुप अछंते केन्द्रापड़ा एसपी काहे कि हेउनी कार्यानुष्ठान ना गृह विभाग केन्द्रापड़ा पुलिस कार्यकलाप को जणाउछि मौन सम्मति केन्द्रापड़ारु प्रभात लेंका को रिपोर्ट अर्गस न्यूज एकाम्र कानन उद्यान बिक्री निष्पत्ति को नहीं सबु दल पक्ष विरोध करा कर तबे या को नहीं कि विवाद मध्य देखा देखाई तबे कांग्रेस या को विरोध करता बेले बीजेपी मध्य समान अभियोग अच्छी तबे जो बीजेपी राजरास्ता को ओल्लैसी अधिक आलोचना करवा तेज आम सहित आम भुवनेश्वर प्रतिनिधि प्रदीप्त महापात्र आम सहित जोड़ तेरे प्रदीप्त जो भाव एकाम्र उद्यान बिक्री निष्पत्ति को नहीं बद गोटे पटे देखा समस्त यहाँ विरोध करजेपी राजरास्ता को कौन रही सूचना तो 12000 खर्च
निश्चित भाव निवेदिता आप जो कथा कहले कामरकानन फार्म जो रही तार जंगल जमी को जीए डिपार्टमेंट को हस्तांतर करा जाए सेठे उच्च अट्टालिका निर्माण पर जो चिठी लिखा जाकू विभिन्न महल रे विरोध कर विभिन्न राजनैतिक दल पक्षर विरोध कर तेज यह विषय आम अधिक आलोचना करवा आज जिला जो बीजेपी कृष्णमंडल पक्षर एने जो एकामरकानन पार्क जो जो पार्क जो ऑफिस रही कार्यालय रही सम्मुख में विरोध कर विक्षोभ कर जीवा सीधा साल प्रतिक्रिया ना सहित उपस्थित अच्छा आज्ञा कौन कहे ये जो घटना जहाँ चिठी लिखा जाए मुख्य शासन सचिव गोटे स्पष्टीकरण देखते किंतु ये प्रश्न उठू जितेबाला भुवनेश्वर से बर्तमान कंक्रीट जंगल या चली वर्ष को वर्ष बदली बदली चलती और समुजीवा नष्ट चलती समय निष्पत्ति केमी उठ देखु जितेबले सारा विश्व विशेषकर देशर प्रधानमंत्री ये सबुजीमार बलय या जी केन्द्रीय अनुदान दौंस सारा देश जाक ठीक से समय रे राज्य सरकार आखिरे पट्टी बांधि देकरी 50 वर्षर उद्यान 50 वर्षर बगीचा जोटी गचगुड़िक 10-12 हजार गच्छ अच्छी 50 वर्ष बयसर ताकू काटिकी सफा कर व्यवसाय करने किसी मुष्टिमेय अफिसर मानक कथा ये जमी को हड़प करने योजना करत्यंत दुर्भाग्यजनक विषय तेणु आम भारतीय जनता पार्टी कथा को प्रथम दिन आनी शेष पर्यंत लड़े करूँ ये बगीचा हूँ आम समस्त ये बगीचा परिवेश संतुलन करुच्ची ये बगीचा बहुत भल भल फल गछ आपण जीवे जदि देखिपर बहुत भल भल फल गछ ये अच्छी तेणु ये जो लाभकर मनोवृत्ति रखी सरकारी अधिकारी मैंने अफसर मैंने एक करता करें दावी करूँ से चिन्हट कर गिरफ्त करजे मुख्यमंत्री ए कथा हस्तक्षेप करतु ना भारतीय जनता पार्टी ये बगीचा को रक्षा करने सेक्रेटेरिएट सामने बसबू आम सत्याग्रह करूँ नवीन निवास सामने बस सत्याग्रह करूँ कहीं प्रकार जो चंचकता जोबले गच्छ वृक्ष ही जीवन कहुच गच्छ लगे परेश को संतुलन करने कहु विशेषकर सहरांचल गुड़िक अत्यंत संवेदनशील अवस्था आसी ठीक से बड़े खोद सरकार बाड़ जदि क्षेत खाइब यही नियम खोद सरकार बर्तमान यही कथा को करेबा जो जो षड़यंत्र कर षड़यंत्र पचर कार अर्थ अच्छी से कथा सामना को आसू एप तदंत आरंभ होता कठोर कार्यानुष्ठान हो गिरफ कर सब जो मैंने षड़यंत्रकारी अच्छा गिरफ कर धन्यवाद आम सहित जगन्नाथ प्रधान उपस्थित अच्छा आज्ञा कौन कहे गोटे पटे सबुजीमा सृष्टि करने केन्द्र सरकार पक्ष प्रधानमंत्री पक्षर अपिल करमी परेश संतुलन रक्षा पाइब किंतु एटी राजधानी कौन जगह अभाव होगला जे एत मूल्यवान हजार हजार गच्छ जो रही द्वारा परेश संतुलित रही राजधानी भुवनेश्वर ओडिशार और गोटे पटे ओडिशार 31% जो जमी जो जंगल जमी रही बेले भुवनेश्वर मात्र 14% अच्छी किंतु ताकू भी नष्ट करने चेष्टा कर देखु ओडिशा सरकार संपूर्ण देवाया अवस्था अच्छी राजकोष खाली कर सारे लक्षाधिक कोटी टंकार ऋणग्रस्त ओडिशा सरकार मुंड किसी कम करनी शेष समय शेष पर्यायर एटी मुख्यमंत्री निजे अक्षम हो सारे सरकार आउ जड़े परिचालना कर 5T सचिव ना सब खोल करवा आरंभ कर सरकार ना तेणु इटि जहाँ आम पाखे खबर अच्छी पाइक नगर गोटे बाहर राज्य रु आसिकी गोटे 5 एकर जगह नहीं कि होटल इंडस्ट्री करने कि योजना चली 5T सचिव सहयोगी बोल कि आम शुणा पाच ये 20 एकर 192 डिसमिल नहींजे भाग बंटा करे कि प्रतिभाशा लोक को आणिकी बाहर राज्य आभितरे पूरे कि गांटसांट ओडिशा को पूरा तलितलांत करिया बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप्त आपण तमाम सूचना पाई तेज जो भाव रिपब्लिक भारत एडिटर अर्णव गोस्वामी को गिरफ्त कर तेज नहीं राष्ट्र मुखपात्र बीजेपी राष्ट्र मुखपात्र संबित पात्र प्रेसमिट उपर नजर पकड़ा
जब भी मन के अंदर भ्रम होता है याद करिए, इस पूरे विश्व में सबसे बड़ा रणक्षेत्र कोई है, जहां सबसे बड़ा दुंदुविनाद हुआ था वो कुरुक्षेत्र है। कुरुक्षेत्र में अर्जुन के मन के अंदर संशय था कि मुझे लड़ना है या नहीं लड़ना है, तो कृष्ण ने उनके रथ को बीच में स्थापित करके कहा था कि देख, एक तरफ न्याय है और एक तरफ अन्याय है, लड़ना है और अन्याय को समाप्त करना है और न्याय और धर्म के साथ खड़ा होना है। आज मैं सबसे अपील करता हूं, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी हो, चाहे वो आम नागरिक हो, चाहे वो संगठन हो, संस्था हो, एनजीओ हो, चाहे वो न्यूज चैनल हो, क्योंकि सभी न्यूज चैनल हमारे लिए बराबर हैं। सबसे ये अपील है कि रणक्षेत्र के मध्य में खड़े होकर ध्यान से देखें कि सत्य किस तरफ है। बीइंग न्यूट्रल is to be with truth. Being neutral does not mean to shun the truth and not show the truth. To stand with the truth is neutrality. So please, let's stand with the truth. Bandhugan, बहुत सारे उदाहरण हैं। ये हिटलर और मुसोलिनी की बात करते हैं, ये हमारे प्रधानमंत्री को गाली देते हैं। आए दिन प्रधानमंत्री के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उनको हिटलर शाह कहा जाता है। आज आप बताइए हिटलर शाही क्या है? घर से घसीट कर किसी व्यक्ति को ले जाना, उनकी पत्नी और उनके एक माइनर बच्चे के साथ जिस प्रकार का व्यवहार किया गया है वो व्यवहार करना, एक केस जो बंद हो गया है उस केस को पुनः खोल देना, ये कहां का लोकतंत्र है? कोविड चल रहा है, द पैंडेमिक इज रिटन लार्ज इन द वर्ल्ड पॉपुलेशन अक्रॉस द ग्लोब, द पैंडेमिक इज स्पीकिंग फॉर इटसेल्फ। Mankind is not only fighting, but fighting gravely against this pandemic. And during this pandemic, we have a government in Maharashtra which is arresting journalists, not of any particular channel, but across channels. Those who have questioned the Maharashtra government on its fallacies in conducting itself during the COVID pandemic. जिन्होंने भी, जिस भी जर्नलिस्ट ने या जिस भी आम आदमी ने सवाल उठाया है कोविड को लेकर, उनके साथ जिस प्रकार का व्यवहार किया गया है महाराष्ट्र में, जिस प्रकार से कांग्रेस की सरकार ने, सोनिया सेना ने उसे गिरफ्तार किया है, ये धिक्कार योग्य है। और बंधुगण, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा और एक डेट भी बताता हूं, वो डेट है 2019 का है, 13 मई 2019। एक आर्टिकल लिखा गया था, क्योंकि आप कहेंगे हम केवल एक चैनल के लिए खड़े, नहीं बंधुगण, यहां बैठा एक एक चैनल के साथ हम खड़े, इसलिए मैं 13 मई 2019 में इंडियन एक्सप्रेस में एक आर्टिकल लिखा गया था निरुपमा सुब्रमण्यम द्वारा, और वो विषय था इंडियन एक्सप्रेस का ही, और आर्टिकल का हेडलाइन था राजीव गांधीज इन फेमस हॉलीडे। उसका हेडलाइन था What vindictive Rajiv Gandhi did after Indian Express covered the story of his INS Virat vacation. आपको याद है जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे और INS Virat के ऊपर फॉरेनर्स को लेकर वेकेशन पे निकल गए थे लक्षद्वीप के लिए, उस विषय में आप सभी के चैनल ने इसको दिखाया था। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी इस विषय पर बताया था, मगर उस समय जब इंडियन एक्सप्रेस ने इस विषय को छापा था तो आप जानते हैं क्या किया गया था इंडियन एक्सप्रेस के साथ? इंडियन एक्सप्रेस के साथ वही किया गया था जो आज कुछ न्यूज चैनल के साथ किया जा रहा है। उस समय राजीव गांधी इस हद तक गए थे कि जुलाई 1988 में राजीव गांधी इंट्रोड्यूस्ड अ ड्रेकोनियन बिल, द डिफेमेशन बिल, मीडिया के लिए डिफेमेशन बिल लाया गया था कि कोई भी प्रधानमंत्री के खिलाफ कुछ लिख नहीं सकता है। ये तो धन्य है, उस समय मीडिया यूनाइटेड थी, यू आर ऑल यूनाइटेड, यू स्टूड द ग्राउंड, यू फॉट अगेंस्ट वेलियंटली अगेंस्ट द सप्रेशन ऑफ मीडिया एंड यू केम आउट विक्टोरियस। आप जीत के आए और वो बिल को राजीव गांधी को विड्रॉ करना पड़ा। मैं दो लाइन जो इंडियन एक्सप्रेस ने 2019 में लिखा था वो पढ़ के बताता हूं कि किस प्रकार इंडियन एक्सप्रेस के ऊपर अन्याय किया गया था। एंड शी राइट्स, निरुपमा जी लिखती है, फॉर दोज ऑफ अस प्रेजेंट इन द ऑफिस दैट डे द मैनर इन विच हंड्रेड्स ऑफ आर्म्ड CRPF एंड दिल्ली पुलिस पर्सनल टुक अ पोजिशन इन साइड एंड आउटसाइड द दिल्ली ऑफिस ऑफ इंडियन एक्सप्रेस सीम्ड वे आउट ऑफ द प्रपोर्शन फॉर अ टैक्स इवेजन केस।
इंडियन एक्सप्रेस के ऑफिस को घेर लिया गया था और इस प्रकार से आक्रमण किया गया था, मानो इंडियन एक्सप्रेस का ऑफिस नहीं, ये गोयनका जी का ऑफिस नहीं। आज गोयनका जी के नाम पे अवार्ड मिलता है, हम सब देश के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री सम्मान के लिए खड़े होते हैं रामनाथ गोयनका जी के नाम पर। वो इतना बड़ा स्थान है, इतने बड़े पत्रकार जगत के, इंडियन एक्सप्रेस के साथ राजीव गांधी ने क्या किया था, यह निरुपमा जी लिखती है कि रेड करा दिया था। असीम त्रिवेदी आपको याद होगा, एक कार्टूनिस्ट ने जब कार्टून बनाए थे अन्ना हजारे के समय, उसके साथ क्या हुआ यह बताने की आवश्यकता नहीं है। हजारों ऐसे उदाहरण है, हु ब्रॉट द इमरजेंसी इन टू दिस कंट्री, आपातकाल को किसने जन्म दिया, आपातकाल के समय बिजली काट दी गई रात को। टाइम्स ऑफ इंडिया के यहां पत्रकार बैठे हैं, बहादुर शाह जफर रोड में उनका हेड ऑफिस है अगर मुझे अच्छे से याद है तो, बिजली काट दी गई थी ताकि टाइम्स ऑफ इंडिया का हेडलाइंस न छप सके, टाइम्स ऑफ इंडिया अपनी हेडलाइन न छप सके और वो उनकी प्रिंटिंग प्रेस बंद हो जाए। पंजाब केसरी आज हमारे बीच अश्विनी चोपड़ा जी नहीं है, हमारे सांसद रह चुके अश्विनी चोपड़ा जी ने मुझे बताया है, मेरे मित्र थे, मेरे बड़े भाई थे, उन्होंने मुझे बताया है किस प्रकार का इमरजेंसी के समय उनके साथ और उनके परिवार के साथ अत्याचार किया गया, किस प्रकार उन्होंने कॉलम्स खाली छोड़े थे, बाध्य किया गया, किंतु फिर भी अश्विनी चोपड़ा जी ने कहा हमारे लोगों ने कलम उठाए और लिखा। एक एक पत्रकार जो यहां बैठा है, चाहे वो इंडिया टुडे हो, चाहे वो टाइम्स ऑफ इंडिया हो, चाहे वो पंजाब केसरी हो, चाहे वो नवभारत टाइम्स हो, चाहे वो भास्कर हो, चाहे वो जागरण हो, सभी ने आपातकाल के समय जो सहा है उसके लिए उनकी पत्रकारिता को सैल्यूट है। हजारों पत्रकार अरेस्ट हुए, हजारों लाखों भारतीय अरेस्ट हुए। आई कॉल अपॉन द इंडियंस, लेट नॉट दिस काइंड ऑफ माफिया राज डिसेंड अपॉन एनी स्टेट इन इंडिया विच इज गवर्न बाय द माफियासो ऑफ इटली। ये जो माफियासो राज है, इटालियन में माफियासो कहते हैं, वहां से माफिया शब्द आया है। जिस भी राज्य में ये इटालियन सरकारें चल रही हैं वहां पर इस प्रकार की गिरफ्तारी ना हो, घसीट करके किसी पत्रकार को बाहर ना निकाला जाए, इसके लिए हम लामबंद होकर खड़े हो, यही हमारी पुकार है। बंधुगण, अर्नब गोस्वामी जी के साथ आज जो हुआ है ये पत्रकारिता के जगत के लिए एक काला दिन है। उनके माइनर बेटे के ऊपर अटैक करना, उनके घर में से उनको घसीट कर ले जाना, और वह भी एक ऐसे केस में जिसको 2018 में क्लोजर मिल गया था, द केस विच वॉज क्लोज्ड इन 2018। मैं आपसे सवाल पूछता हूं, अगर आज हम एकजुट नहीं होंगे तो कल बारी हमारी है, इसलिए हमें न्यूट्रलिटी के नाम पर युद्ध क्षेत्र के बीच में खड़े होकर देखना ही नहीं है, या युद्ध क्षेत्र के बीच में खड़े होकर न्याय धर्म की तरफ देखना है और अधर्म और अन्याय को त्यज देना है। इस विषय में आप सोचिए, हम सोचें, देशवासी सोचे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। तेबे आपण सदासख शुणुले बीजेपी राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्र प्रेसमिट जो भाव से अर्णव गोस्वामी को गिरफ्त कर बिना नोटिस गिरफ्त कर ये कोटाकोटि गणमाध्यम को कंट्रोल करने चेष्टा कर प्रकृत में बाफियाराज जो भाव महाराष्ट्र पुलिस जो बाफियाराज चल ये कोटनाकोटि एक निंदनीय कथा तेणु आज जदि आम एकाठी नई स्वर उत्तोलन नक तेज काली आमर मध्य पाई आसपे जहाँ राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्र कहते समय सरी बुलेटिन को रखा नमस्कार।